ताजमहल का नाम सुनते ही आपको आगरा शहर याद आता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान में एक मंदिर ऐसा है जिसे लोग राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। ये मंदिर कब और कैसे बना, ये आज भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस मंदिर की खूबसूरती आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर 1000 साल पहले बना था, लेकिन ये कैसे बना ये आज भी रहस्य है। जानकार बताते हैं कि दिलवाड़ा जैन मंदिर ऐसे वक्त में बना जब माउंट आबू बियावान का जंगल हुआ करता था। जंगलों की पहाड़ी पर बने इस मंदिर में इतने घने जंगलों के बीच इतने पत्थर कहां से आए, ये रहस्य बना हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर देश के उन 5 मंदिरों में आता है जिनके निर्माण को अब भी रहस्य माना जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहे जाने वाले इस मंदिर को बनाने में 14 साल लगे। इस मंदिर को बनाने के लिए 1500 कारीगरों ने काम किया था, लेकिन ये 1500 कारीगर कहां से आए और 14 साल तक कहां पर रहे, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। ये मंदिर पहाड़ी पर बना है और यहां घने जंगल भी हुआ करते थे, तो इस मंदिर में लगे मार्बल के पत्थर यहां तक कैसे पहुंचे, ये आज भी सवाल का विषय है। हाथी और घोड़े मार्बल पत्थर लेकर ऊपर चढ़े होंगे, ये बात समझ से परे है। इतिहासकार मानते हैं कि मार्बल के पत्थर मकराना से लाए गए जो अजमेर के पास है। मंदिर से अजमेर की दूरी करीब करीब 500 किलोमीटर है। जानकार मानते हैं कि मार्बल के पत्थर अजमेर से घोड़े और हाथियों से मंदिर के पास तक आए होंगे और इसके बाद मजदूरों ने इन पत्थरों को पहाड़ी पर पहुंचाया होगा। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इस मंदिर की बनावट शानदार कलाकृति और शिल्प का अद्भुत नमूना है। ये मंदिर 48 खंभों पर टिका हुआ है। दिलवाड़ा जैन मंदिर भले ही अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है, लेकिन इसकी खूबसूरती ताजमहल को टक्कर जरूर देती है, इसलिए यहाँ के लोग इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं।